बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक कर ले और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर भी कर ले। सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसका जो थंबनेल है वो देखकर ही कुछ ज्यादा ही अनोखा लगा मुझे। सो ये वीडियो का टाइटल है मीम रिव्यू, लेटेस्ट फनीएस्ट ट्रेंडिंग इंडियन मीम्स एंड न्यूज, फ्लीटविल स्मिथ स्लैप एंड इमरान खान एंड पीएम मोदी। अब ये क्या है? विल स्मिथ स्लैप, इमरान खान, पीएम मोदी, ऐसे अलग अलग लिखा गया है तो ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो जरूर से समझ में आ गया कि कुछ तो मीम्स के ऊपर है एंड ये बहुत ही ज्यादा कॉमेडी होने वाला है। तो चलिए तैयार हो जाइए थोड़ा बहुत हंसने के लिए और हंसाने के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। स्वागत है आपका इस मीम रिव्यू के एपिसोड में, जहां हम आपको कुछ न्यूज से रिलेटेड अनोखे मीम्स, अनोखी खबरें और मजेदार वीडियोस दिखाएंगे। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, खत्म। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तेलंगाना की एक अजीब खबर सुनी है, जहां आदमी ने पुलिस बुला ली इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी ने मटन करी बनाने से इनकार कर दिया था। मेरे साथ अन्याय हुआ है यार, बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के दारू पीने वाले लोग भारतवासी नहीं, महापापी हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। Meanwhile, नीतीश ने हमको जेल भेजा है तीन बार भेजा दारू पीने पर, सबसे पिए कड़े हम है। तुम जेल गए थे? जेल में गए थे, 22 दिन रहे थे, 22 दिन के बाद वापस आ गए। 22 दिन के बाद हमने पी रहे हैं, बाइक चल रहा है, इसको बेल करा के लाए फिर पी रहे हो? पी रहे हैं तो क्या करें? हमारी टेंशन होगा थोड़ा, फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे। इस बार पढ़ाई पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों के मन की बात पकड़ ली कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का, ये गड़बड़ है मामा। इसका कारण ये है कि 10 मिनट पढ़ते ही इनके अंदर से एक आवाज उठती है, सुनिए क्या है वो आवाज। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और इन्हीं लोगों के साथ एग्जाम्स में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब वो कोई चीज पढ़ के जाते हैं और जब एग्जाम्स में वही सवाल आए तो वो भूल जाते हैं या तो उस टॉपिक को ही पहचान नहीं पाते। तो एग्जाम हॉल में क्या सीन होता है वो देखिए। तो तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? बोला ना कभी नहीं देखा है। पहले के समय की बात करें तो बच्चे अपने पापा से इतना डरते थे कि गाड़ी की आवाज सुनकर ही पढ़ने बैठ जाते थे, ये सोच के कि वो आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पता चलता था कि गाड़ी बाजू वाले के घर में आई है तो क्या होता था वो इस मीम में देखिए। वहीं जब आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपका मोबाइल साइलेंट होने की वजह से आपके मोबाइल में घर से 10 मिस्ड कॉल्स आ चुके हैं तो वापस लौटते समय देखिए कैसे आपका हाल हिमेश रेशमिया जैसा हो जाता है। अब एक अनोखी खबर देखिए, जहां एक घर में उनके रिश्तेदार ने आना छोड़ दिया क्योंकि रास्ता ही इतना खराब था। ऐसे में इस खबर से वो स्टूडेंट्स बहुत इंस्पायर्ड हो गए हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दूर के रिश्तेदार उंगली करने में बहुत आनंद लेते हैं और दूसरों को उंगली करने में एक अलग ही मजा है और उसका सबूत इस मीम में देखिए। गजब टूटी आ जाती है। कैसा सीन होता है जब आप एक पोज पे खड़े हैं और लगातार फोटोज क्लिक करवा रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी डीपी मिल जाए।
और अच्छी डीपी मिल जाने के बाद जब आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं तो आपके कुछ खुराफाती दोस्त कैसे कमेंट्स करते हैं वो आप इस मीम में देखिए। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं। ये ऐसे ही दोस्त होते हैं जिन्हें जब घर में खुल के खाने के लिए और खुल के रहने के लिए बोल दिया जाए और बिना शर्माए रहने के लिए बोल दिया जाए तो फिर देखिए वो कैसे रहते हैं। बदमाश दोस्तों की बात हुई है तो देखिए कि आपको क्यों होशियारी मानने से पहले आसपास का माहौल चेक करना जरूरी है कि आपका कोई खुराफाती दोस्त आसपास तो नहीं है, क्योंकि वो आपके रोल में होल कर सकता है। भाभी शादी के बाद तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं और बीवी की सारी स्त्री करती है। नहीं तो क्या इस बार के ऑस्कर में से एक वायरल मीम बाहर निकल के आया जब एक्टर विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक के एक जोक पर उनको थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद से बढ़कर एक मीम्स इस किस्से पर बनने लगे। इनको देखो, देखो बेचारे को, इन्होंने कुछ बोला? मैंने बेचारे का घड़ी बेचा, इनका सोने वाला चश्मा बेचा, बेचारे ने कुछ बोला? नहीं बोला। तूने घड़ी बेचा? क्या माला कुत्रिया, तूने मेरा घड़ी बेचा? ये बाबूराव का स्टाइल है। कुछ लोग ये सोचने लगे कि अगर क्रिस रॉक की जगह द रॉक होते तो क्या होता। कुछ इंडियन न्यूज चैनल्स इस पे क्या शो कर सकते हैं उस पर भी मीम बनाया गया। न्यूज चैनल्स कैसा कैसा पैकेज तैयार कर सकते हैं उसका अंदाजा लगाया गया। जैसे ये वाला, मोदी का फैसला मानेंगे रॉक स्मिथ। इसी से मिलता जुलता किस्सा लोगों ने इंडियन मीडिया से भी ढूंढ निकाल लिया जो पहले हो चुका है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया में कुछ और फेमस थप्पड़ वाले किस्से याद किए गए। अगला मीम उन लड़कों के लिए है जो लड़कियों के घर में चुपके से जाकर उन्हें फर्स्ट फ्लोर में चॉकलेट पहुंचाकर आते हैं और बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लड़कों को रिटर्न गिफ्ट भी ऑन द स्पॉट मिलता है। तेरा बाप अब आपको एक स्कूल ले चलते हैं, यहाँ पे टीचर्स बच्चों को सिखा के खुद भूल जाते हैं। और तो और दुख की बात यह है कि ये बच्चों को भी सही नहीं सिखाते। यहाँ पर जनवरी और फरवरी लिखो, इंग्लिश में लिखो, यहाँ लिखो तो बैठ जा, खड़ा मत हो, हो गया है? देखिए जनवरी का स्पेलिंग इन्होंने सही लिखा है, लेकिन क्या फरवरी का स्पेलिंग सही है? सर गलत है ना, आप एक बार इनको लिखिए। ये फंस गया सी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बता फरवरी इनको लिख के बता दे। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? लिखिए आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी सर लिखे खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। सोशल मीडिया में इस बात से लोग इतना इंप्रेस हुए हैं कि इस स्कूल का नामकरण करने लगे हैं। अन एकेडमी से इंस्पायर होकर इसका नाम रख दिया डम्ब एकेडमी और बायजूस से इंस्पायर होकर रख दिया गया वायजूस। ऐसे ही 30 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खत्म करते ही कैसे लोग फराटेदार इंग्लिश बोलने लगते हैं वो देखिए। यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास क्या है? मी हैव मॉम इज, मॉम इज मी हैव, मेरे पास माँ है। मॉम इज मी हैव, मेरे पास माँ है। ऐसी इंग्लिश से तो इमोशनल सीन्स भी कॉमेडी सीन्स में बदल जाते हैं। राणो व्हाट वे, लिसन राणो वे व्हाट वे, आई प्रॉमिस यू राणो, आई विल कम बैक सून राणो। पंछी ते परदेसी, आई मीन बर्ड्स एंड पैसेंजर्स आर नेवर बैक। You are a great liar. I don't believe you. Keep speaking, Rano. Just you shut up.
वे तुम अब शट अप वे बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। और इस इंग्लिश में अगर कोई आपको सलाह दे और आपको मनी खर्चा आपके माँ बाप आपके ऊपर पैसा खर्च करते हैं योर पेरेंट्स नॉट ट्रस्ट क्रेक मतलब कि अपने माँ बाप का भरोसा ना तोड़ो प्लीज माय फ्रेंड डोंट फ्लाई माय जोक मतलब कि मेरा मजाक मत उड़ाओ मुझे जितनी भी इंग्लिश आती है अच्छी आती है और मैं बोल लेता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। घर में पानी घुस गया हो और आपको इसे साफ करने में झाड़ू काम ना आए मतलब पानी इतना ज्यादा है कि झाड़ू से बात ना बने तो फिर आपको ऐसे तेजस्वी लोग की जरूरत पड़ेगी। एक बार चर्चा हो रही थी कि महिलाओं और पुरुषों में कौन ज्यादा खुश रहता है और इस पे डिबेट हो रही थी कि क्यों महिलाएं ज्यादा खुश रहती हैं और पुरुष कम खुश रहते हैं। तो ऐसे में मेल एंकर के दिल का दर्द बाहर आ गया। If there were women on the panel, they would, I mean, ask any woman if she would choose her car over her children and she'd take the kids any day, whereas I would question a lot of men out there, quite frankly. Tracy, I can't believe what I just heard you say. There's a reason that women live longer, Mark. Let me tell you, it is because we are stronger yes. and we are happier at the end of the day than most men. And that yes. is factual and you know it. When men are married to women who scream like you, they just want to die sooner. एक पुराना हॉरर सीरियल था जिसकी ओपनिंग थीम आज भी आपको सुनते ही स्ट्राइक कर देगी कि कौन सा सीरियल था। अब इसकी खास बात यह है कि बचपन में यह थीम आपको कुछ ऐसा फील देती थी लेकिन अब वही बच्चे जो बड़े हो गए हैं और इस थीम को सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या चलता है वो देखिए। अंत में आपको शादी के एक रिसेप्शन में ले चलते हैं जहां लड़के के दोस्त सब एक एक करके दूल्हे को गिफ्ट्स दे रहे हैं और ये गिफ्ट्स यूजफुल किफायती और यादगार गिफ्ट्स हैं जो बहुत काम आते हैं। तो देखिए कैसे ये दोस्त दूल्हे के मजे ले रहे हैं। तो ये था मीम रिव्यू का एक और एपिसोड। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद। ये वीडियो जो था ये बायजूस वाला जो बायजूस और अनअकैडमी का डम अकैडमी ये बहुत ही अच्छा मतलब मैंने कभी इस बारे में ऐसा सोचा नहीं था एंड मैंने ऐसा मीम्स नहीं देखा था कि भाई ऐसा भी कुछ बना हुआ है। भले मैं इंस्टाग्राम एंड इस तरीके की मीम्स मैं देखते रहती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं मिला था। ये वीडियो काफी ही नया था मेरे लिए। आई थिंक बहुत सारी चीजें इसमें नई थी मेरे लिए, चाहे वो दोस्त वाला पार्ट जो ऐड किया गया था। यार अपना ही घर समझो, लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे अपने आप की और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स की मुझे याद आ गई क्योंकि जनरली मैं पहले स्कूल टाइम में काफी ज्यादा बदमाश थी आई मीन अभी भी हूँ लेकिन अभी कम हूँ। स्कूल टाइम में काफी ज्यादा बदमाश थी स्कूल एंड कॉलेज टाइम में। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर मैं अपने फ्रेंड के घर जाती थी तो मैं उन्हें उल्टा बोलती थी, यार क्या कर रही है, बैठना, अपने ही घर समझ, तेरा ही घर है, चिंता मत कर। भले मैं उनके घर गई हूँ लेकिन मैं उन्हें बोलती थी भाई तू अपने ही घर समझ। सो ऐसा बहुत हुए हैं एंड ऐसा खाने वाला तो बिल्कुल नहीं हुआ था, कोई ऐसा नहीं खाता है यार इतना मिक्स करके सारा का सारा खाना, ओह गॉड लिटरली। एंड रहा बात ये रीडिंग, ऑनलाइन रीडिंग कौन कितना करता है, हाँ अंदर से एक आवाज आती है भाई इंस्टाग्राम बुला रहा है रील्स वीडियो देखना है। हाँ ये तो सिर्फ आज
आजकल की जनरेशन की ही बात है कि सिर्फ आजकल की जनरेशन या बच्चों की क्या ही बात कर ले, हम अपनी ही बात कर लेते हैं ना। अगर हम कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए भी अगर हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 मिनट ऐसे ऑफिशियल वर्क कर लिए या 5 मिनट ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कुछ सर्च कर लिया एंड देन सडनली पता नहीं कैसे उंगलियां अपने आप चल जाती है या तो यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ या तो फिर इंस्टाग्राम रील्स की तरफ एंड फिर बस ऐसे स्क्रॉल कर रहे फिर लिटरली आधे घंटे बाद रियलाइज होता है यार शिट मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर लिया है, मैं कर क्या रही थी और कहां अब कहां हूं। एंड लास्ट वाला जो वीडियो था ये शादी वाला, मुझे याद है आई थिंक इससे पहले ये वाले ट्रेंड से पहले चला था जब अपनी दोस्त की शादी में सब एक एक रुपए का चिल्लर दे के स्टेज से उतर रहे थे एंड अब ये नया ट्रेंड चला है जहां बिलना चलनी और पता नहीं टॉयलेट क्लीनर से लेके बहुत कुछ गिफ्ट में मिल रहा है। तो आप सब बच के रहे ऐसे दोस्तों से क्योंकि पता नहीं अगली बारी आपकी होगी ये सब स्टेज में लेने का एंड ऐसा कोई वीडियो बना के वायरल कर दे तो। ये मीम्स तो बहुत ही मजेदार थी एंड काफी फनी था, बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा, नया लगा होगा ये वीडियो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बगल में पार भी हो रहा होगा तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले एंड ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जितना ज्यादा हो सके, मुझे अच्छा लगेगा और साथ ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।